हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप लोग यहां पर यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह आप लोग यहां पे अपलोड करते हैं तो यहां पे जब आप अपलोड में लगा देते हैं तो यहां पर आपको एक प्रॉब्लम आता है। यहां पर लिखा रहता है फैलेड मेटा डेटा नॉट सेवेड, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है जब भी आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर कोई वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तब, तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे कैसे से सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आता है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपका जो वीडियो है वो 100% अपलोड हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक साथ 2-3 वीडियो अपलोड करते हैं तब आपको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ये दोस्तों अपलोड करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है कि आपके वीडियो में कोई गलत चीज़ें तो नहीं है, यानी कि कोई मिसगाइडिंग वीडियो तो नहीं है। इस तरीके से जो है ये आपके जब आप अपलोड करते हैं तो प्रोसेसिंग में जो है चेक कर लेता है, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है तो इसके वजह से जो प्रोसेसिंग है वो धीरे तरीके से जो है चेक होता है, धीरे धीरे चेक होने लगता है, तभी दोस्तों उस टाइम यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है फैलेड मेटा डेटा नॉट सेवेड करके। तो इस तरीके से अगर आपको आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट जब आप लोग वेट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाएगा, ये जब भी आपका वीडियो जो है प्रोसेस हो जाएगा, पूरा फुल तरीके से प्रोसेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो लिखा है ना वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, और आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको इसको सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर जो YT स्टूडियो का एप्लीकेशन है और यूट्यूब का एप्लीकेशन है, तो दोनों एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपका प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा दोस्तों।